फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तमिल सिस्टर्स इनकी कत्रिका पुली मिगा दा उंगलोड शेयर पन्न पोरें एन्नडा नेम विद्यासमा इरुक्कुन्नु पाक्रिंगला नेम मट्टुम इल्लंग रेसिपीयुमे रोम्ब विद्यासमान रेसिपी दा रोम्ब पळमैयान रेसिपीयुम कूड नम्म ताता पाट्टी कालत्तिलेल्लाम इत अधिकमा सेंजु साप्पिट्टिरुक्कांग बट नम्म इप्प यारुम वंदु इत सेय्यिरदिल्ल इत रोम्ब ईसियान 5 मिनिट्स्ल सेय्यिर रेसिपी दांग टेस्ट वो भयंकर कंपा नहीं मटूँ सदल अंतमेंवपा नम्बर उपान सोरेकू सापा अंदर टेस्ट भयंकर ना इत रेसीपी कतरीका कतरीका वो नम्बर गैस वो अंकाल अच्छे सुटकवा यूस पड़ेद अभी गैस वोटकल गैस वो मारे और स्टाड वे कतरीका मेल वे तिरपी तिरपी सुटेको इतमी ना ब्लैक आगे मादी सुटेको सुटाचे इन पात्र तनी पिछड़ी कतरीका अट्को ना आरनद नम्बर तोल नीकर ना आरी तोले वो नीक फुल नहीं वो ना सुटीना मटमें तोल इतमी कई वीन तोल कल नहीं सुल अब तोल पिके मुड़ा कतरीका वेग वाल करेक्टा सुटेको पाती पिक्रे पाती एव्लो साफ्टा सो पिछले वो एची पुलूरकान सेक पड़को नहीं कतरीका वे पूछी सेक पड़को सरिया ना वो एतरीका ना कतरीका पूछी और इका सेक पड़ी के और वाटर कलविटे मिचमेंतकल पुल मिग पनेी ना वंगयम तक कट पड़ी वजचर रेय वंगयम और तक और आर पचम कट पड़ी वजचर इत मिगा चयम वर मिगटा नल सो ओरिजिनल अदांगा एट चय वर मिगम इले ना परिये वंगयम पचम एड़ें वो चयम वर मिग सेकन वर मिग वो नम्बर कतरीका सुट मादे सुट सेको नेक्स्ट कतरीका नम्बर सुट कतरीका तोल नीचे वजचर अर चमन सैज अल्वक पुल एचर पुलिय करे ती ए இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் புளி தண்ணி வந்து கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்க போறோம் கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க மத்து வச்சோ இல்லட்டா கரண்டி வச்சோ பிசைஞ்சீங்கனா அதோட டேஸ்ட் வராதுங்க இதுல வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு கையில பிசைறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் டேஸ்ட் ना தக்காளி எவ்வளவு பெருசா போட்டுருக்கேன் நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க அதுல தக்காளி இருக்குறதே தெரியாது சோ இந்த அளவுக்கு நீங்க நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க மீதம் இருக்கிற புளி தண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கத்திரிக்காவை அதுல சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காவை சேர்த்துட்டு ரொம்பலாம் பிசைய தேவையில்லை சும்மா லைட்டா பிசைஞ்சி விடுங்க கத்திரிக்கா கொஞ்சம் பெருசு பெருசா இருந்தாதான் நல்லா சாப்பிடுமோ டேஸ்டா இருக்கும் இத பிசைஞ்சிட்டு ஒரு 5 ல இருந்து 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க இந்த உப்பு காரம் புளிப்பெல்லாம் நல்ல கத்திரிக்காயில ஊறி பயங்கர டேஸ்டா இருக்கும் எது கூட வேணாலும் நீங்க இத வச்சு சாப்பிடலாம்ங்க சப்பாத்தி தோசை இட்லி சாதம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் நீங்க வீட்ல செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே फ्रेंड्स பை பை